जब ड्राइवर नशे में धुत हो दिमाग काम नहीं करता, लेकिन एक शराबी ने पुलिस वालों को गच्चा देकर अपनी कार इस तरह भगाई कि बेचारे तीन पुलिस वाले जख्मी हो गए। उस शराबी का कारनामा बाद में देखिएगा, पहले ये देखिए कि जब एक बेकाबू कार किसी शोरूम में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है तो क्या होता है अंजाम। अरे अरे ये क्या, दुकान में ये क्या आफत आ गई है, कहीं किसी का कोई हमला तो नहीं या फिर कोई और बात है। एक बार फिर से देखिए, क्या कुछ समझ में आया, आखिर ये क्या बला है जो दुकान में घुसी चली आई है। जरा सोचिए कि लोग आराम से दुकान में काम कर रहे हों, कर्मचारी हिसाब किताब लगा रहे हों, लोग खरीदारी कर रहे हों और अचानक एक कार धड़धड़ाती हुई शोरूम में चली आए। अमेरिका में ऐसा ही हुआ जब एरिजोना में एक दुकान में बेकाबू कार जा घुसी। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वो दुकान का शीशा तोड़ते हुए सीधे अंदर जा घुसी। कार रफ्तार में हो तो मेज कंप्यूटर जैसी चीजों को तहस नहस होने में वक्त ही कितना लगता है। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये आफत कैसे टूटी। दुकान में उस वक्त कर्मचारियों के अलावा ढेर सारे ग्राहक भी मौजूद थे। सभी इस हादसे के बाद सहम गए। गनीमत ये थी कि कार की टक्कर से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, अलबत्ता दुकान का हुलिया जरूर बिगड़ गया। दुकान के अंदर मौजूद हर चीज उल्टी पुल्टी हो गई। दुकान का नक्शा अब बिल्कुल बिगड़ चुका था। जिस दुकान में कुछ देर पहले चहल पहल थी, अब वहीं पर दहशत भरी खामोशी छा गई। हर कोई इस बिन बुलाई मुसीबत से हैरान परेशान रह गया। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो शोरूम में घुसी कार से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ड्राइवर नशे में धुत है। उसने नशे में गाड़ी की जांच पड़ताल करने वाली पुलिस पर ही अपनी कार चढ़ा दी। हुआ ये कि नशे में धुत कार वाले को जैसे ही पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो उसने इतनी तेजी से कार भगाई कि उसके झटके से तीन पुलिस वाले घायल हो गए। कुछ वक्त पहले तो सब कुछ सामान्य था, पुलिस आराम से अपना काम कर रही थी। नाकेबंदी करके पुलिस हर कार को रोक कर पूछताछ में जुटी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक गाड़ी कोई सिरफिरा भी चला रहा है। पुलिस के हाथ दिखाने पर उसने कार तो रोक दी, लेकिन जैसे ही चेकिंग की बात आई वो सरपट कार दौड़ाकर वहां से भाग निकला। अचानक हुए इस बदलाव को जब तक पुलिस वाले समझ पाते तब तक कार फर्राटे भरते हुए 9:00-11:00 हो चुकी थी और पुलिस वाले रह गए खाली हाथ। आज तक ब्यूरो।